वो देखिए बच्चा मुझे हमेशा व्लॉग में इग्नोर करता है। बैठे हैं टायर्ड टायर्ड। क्या ले आया ये कर... हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। एंड यस, हम लोग जा रहे थे केक सिलेक्शन करने के लिए क्योंकि दी का बेबी शावर है। सो मैंने सोचा व्लॉग शूट कर लेते हैं एंड आप लोगों को भी दिखाते हैं हम किस टाइप का केक शूट करने वाले हैं, मतलब सेलेक्ट करने वाले हैं। सो यस, इसलिए बैठ गए ना, बैठे हैं। गुड बॉय। यस, फिर मैंने सोचा कि व्लॉग बना लेती हूँ मैं इसीलिए। एंड यस, अब 10 जा रहे हैं मार्केट, लोखंड वाला मार्केट, एंड वहाँ पे देखते हैं बेकरी शॉप्स पे हम लोगों को डिजाइंस शायद अपनी तरफ से ही देना पड़ेगा बेबी शावर के लिए, बट उन लोगों का भी देखते हैं उनके पास कुछ अच्छे ऑप्शंस होंगे अगर, एंड बाकी फ्लेवर्स फाइनलाइज करने हैं। सो ये ड्यूटी इसलिए दी गई क्योंकि बी के बर्थडे केक बहुत ही टेस्टी था। एंड यस, मतलब वो बहुत ही अच्छी बेकरी थी ऑब्वियसली, बट वो काफी दूर है तो इसलिए वहां से अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा आना। एंड बेल्ट लगा लेते हैं। यस, सो गाइज, इसी बहाने हम युवान को भी थोड़ा ड्राइव पे ले आए हैं एंड आप लोगों को भी दिखा देते हैं। लोखंड वाला मार्केट तो आप लोगों ने बहुत बार देखा है मेरे ब्लॉग में, एक बार और देख लीजिए, नो प्रॉब्लम है ना, आई नो दैट। अब दिखाती हूँ आपको बेकरी शॉप पे जाके जल्दी से। बाकी वैसे तो बहुत ही प्यारा वेदर हो रहा है मुंबई का, सब लोगों को पता ही होगा। देखो क्या कह रहे हो आप, गाइस ये मेरा सबसे छोटा रिकॉर्ड बनाने वाला है, मेरा बच्चा सबसे कम एज में ब्लॉगर बनेगा ये। एंड एज यूजुअल मैं अपने पति को अपने ब्लॉग में नहीं ले सकती क्योंकि उनको आना नहीं पसंद ब्लॉग में, है ना युवान। सो हम आपको मार्केट दिखा देते हैं। सो गाइस, हम लोग फ्लेवर चेक करने आए हैं एंड लेट्स सी क्या क्या फ्लेवर्स हैं। चॉकलेट छोड़ के जो भी अलग अलग ये रेनबो तो एक में नीचे वाले में ग्लो कर देता हूँ, ऊपर वाले रिंग जैसे ड्रॉपिंग गिरी हुई है सेकंड वाले में ठीक है, ऐसे ड्रिप सेम रहेगी खाली कलर बदल जाएंगे, ठीक है ओके। और ऊपर वाला टॉप वाला जो रहेगा ऐसा सेम कर दो, दोनों को मिक्स करके हाँ वो अच्छा लगेगा। और टॉप पे शूज रख लेंगे और नीचे वाले पे कुछ होगा डेकोरेशन में, यही ऐसे टाइप के ड्रॉप वगैरह लगा देंगे, ठीक है, सामने थोड़ा थोड़ा लगा देंगे और ये अल्फाबेट्स ऐसे करके लिख देना। हाँ यहाँ पे ऐसे लिख देंगे क्योंकि वो उठता नहीं है। हाँ हाँ, शैतानी मत करो, ऑलरेडी दो गिरा चुका है। सो गाइस, कुछ ऐसा डिजाइन प्रिपेयर हुआ है अभी, बाकी तो पता चलेगा बनने के बाद। अच्छा बनेगा, बस अच्छा ही बनना चाहिए भैया। सो गाइस, फाइनली केक हो गया है एंड थोड़ा सा हो गया था प्रॉब्लम वहाँ पे क्योंकि जो हमने डिजाइन सेलेक्ट किया था वो डिजाइन हो नहीं पाया एंड वहां जाके फिर फ्लेवर भी नहीं मिल पा रहा था हम लोगों को एंड थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे हम लोग। सो अभी डिजाइन भी चेंज कर दिया है एंड देखो क्या होता है, थोड़ा रफ रफ डिजाइन सा तो ले आए हैं बना के, बाकी दीक और जीजू को दिखाते हैं, उन लोगों ने जो सेलेक्ट किया था वो नहीं हो पाया। सो लेट्स सी, अब घर जाके पता चलेगा उन लोगों को पसंद आएगा या नहीं, हो तो गया है बाकी देखते हैं। गाइज, कल तो हम घर आ गए एंड लेट हो गया था, देन उसके बाद सो गए। सो अभी उठे हैं, मतलब थोड़ा ही टाइम हुआ है। सो मैंने सोचा है कि हम आपको युवान से मिला दें। हेलो युवान, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो,
अरे अपने छोटे हाथी वाली ड्रेस तो दिखा दो हमें। सो गाइस ये तो ऐसे ही घूमता फिरता रहता है सारे घर में। एंड यस दी के बेबी शावर की तैयारी शुरू हो गई है ऑलमोस्ट। मम्मी गई है मार्केट थोड़ा बहुत सामान लेने, जो मतलब होता है बेबी शावर में गोद में रखने के लिए वो सब। एंड मैंने पार्लर वाली बुला ली है घर पे, तो मुझे थोड़ा बहुत पार्लर का काम कराना है अपना, क्योंकि बाहर मैं जा नहीं सकती युवान को छोड़ के, और पार्लर का टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है कहीं भी बाहर जाओ, तो इसलिए मैंने घर पे ही बुला ली है। एंड बस वो भी आने वाली होगी, एंड उसके बाद जाना है फिर दी के साथ उनके गायनों के पास। उनका थोड़ा सा आई थिंक चेकअप वगैरह है, कुछ स्कैन है जो डेली स्कैन्स होते हैं, रूटीन स्कैन्स। एंड यस अभी तो यही है, एंड आप लोगों को मैं दिखाती रहूंगी ब्लॉग में क्या क्या हम कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड। ठीक है गाइस, पकड़ लाई मैं शैतान को। किसी का दो, अच्छा किसी का दो, किसी का दो, किसी का दो, जल्दी से किसी का दो, किसी का दो, इज्जत का कचरा मत करो मम्मा की, किसी का दो, कर दो ना, कर दो ना, किसी 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 कर दो ना, कर दो ना। ये बच्चों को सबके आगे इज्जत का कचरा करना जरूरी होता है? अरे क्या ले आया ये क्या दे रहा है मेरे मुंह में, क्या है ये ची? युवान नो नो गाइस क्या ले रहा था हाथ में, फेंक दिया मैंने, थोड़ा सा शार्प लग रहा था मुझे, इसको चोट लग जाती इसीलिए। कहाँ से उठा के लाते हो, कुछ भी उठा लाते हो आप। हाँ तो गाइज कलर हो गया है बालों में, बाकी कुछ काम नहीं करा पाई मैं, क्योंकि दी का अपॉइंटमेंट का टाइम हो चुका था एंड सलोन वाली काफी लेट आई थी। तो बस अब मैं सोच रही हूँ, अब मैंने उसको बोल दिया कि कल आना प्लीज, तो बाकी का काम मैं करूंगी कल। एंड अब जल्दी से हो जाती हूँ रेडी नहा धोकर, क्योंकि दी के अपॉइंटमेंट के लिए मुझे जाना है, लेट हो चुका है वैसे ही हम लोगों को। सो यस फाइनली वी आर आउट, एंड बहुत ज़्यादा लेट हो गया है हमें, सो अब जल्दी से पीछे दी भी लगे हुए हैं एंड हम भी रेडी हो गए हैं, फाइनली निकल गए हैं, थोड़ा सा लेट हो गया है वो देखिए। चलो चलो युवान। हम लोग फाइनली आ गए हैं गायनों पे, लेट हो गए एंड दी बैठे हैं टायर्ड टायर्ड। युवान डॉक्टर आंटी से मिलेंगे युवान की। ये बच्चा मुझे हमेशा व्लॉग में इग्नोर करता है। ये बच्चे ने ठान लिया अपनी माँ की बेइज्जती करके मानूंगा व्लॉग में सबके आगे, है ना? अरे क्या 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 कहाँ जाना है, कहाँ जाना है आपको? उठ जाओ गुड बॉय की तरह, चलो उठ जाओ। फाइनली यस है, थोड़ा खाते हैं पीते हैं, हो गया स्कैन डन। फाइनली कोना मिल गया है। सो गाइस युवान भी खाएगा, युवान क्या खाओगे आप, युवान क्या खाओगे बताएंगे, इसको ऑर्डर है उसके बाद मिलते हैं आपको। दोनों वेज हो ना, पिज्जा आपको कौन सा चाहिए? चक्की हैवी वेजीज सब खाना, चक्की आज तो रियल का चक्की बन गया। हेलो ये कौन सा, बट इसको डिप करके क्या बोलते हैं, लिट्टी चोका, लिट्टी चोका, लिट्टी चोका नहीं इटालियन लिट्टी चोका। युवान गाइस ये देखिए इनका प्ले टाइम चल रहा है। युवान
गो गो खेलो उसके साथ, जाओ आपको बुला रहा है ना वो खेलने के लिए, जाओ जाओ खेलो उसके साथ। युवान अच्छा 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 उसको दो, बॉल दो उसको, बॉल दो उसको। गोगो युवान को बॉल दे दो। कैसे देख रहा है, युवान युवान क्या हुआ? घर एंड यस डी का अच्छे से एकदम स्कैन हो गया है, वहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं था इसलिए वीडियो नहीं बनाई है, बट यस एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ हेल्दी है, बेबी एकदम हेल्दी है। सो अब आ गए हैं घर एंड अब करते हैं ब्लॉग को एंड, एंड नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और इंटरेस्टिंग आएगा, सो देखते रहिए एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, लव यू, सायोनारा।